प्राइसिंग अराउंड, तो मिनिमम आप इसको 15,000 में घर लेके जा सकते हो गाइस, उसमें आपका 2500 करीबन आएगा ईएमआई। तो ऑफर में आपको एक, तो दोस्तों फाइनली आज यहाँ आप देख सकते हो वापस से आ चुकी है ग्लैमर हमारे पास रीलॉन्च होके। ये पुरानी वाली ग्लैमर है गाइस जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया था हीरो ने, मगर फिर से लेके आया क्योंकि इसका डिमांड बढ़ा है, तो फिर से लेके आना पड़ा, हीरो को झुकना पड़ा पब्लिक के सामने गाइस। तो दोस्तों आज हम करने वाले इसका पूरा फाइनेंस डिटेल कवर। आज हम आपको बताएंगे इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कितना आप कर सकते हो, मिनिमम ईएमआई कितना कर सकते हो, ऑन रोड प्राइस जो एकदम लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस आई है। पहले फीचर्स और प्राइसिंग पे चलते हैं हम। सबसे पहले लाइटनिंग सेटअप आप देख लो गाइस, हैलोजन में ही आता है, कोई आपको एलईडी नहीं देखने को मिलेगी। हैलोजन में इंडिकेटर भी आपको आते हैं गाइस। यहाँ आप देख सकते हो गाइस पूरा मीटर आपका चेंज हो गया है गाइस, और पूरा ही मीटर मतलब की जो पैशन एक्सटेक में आता था ना मीटर, वही सेम मीटर यहाँ पे डाल दिया गया है गाइस। इसमें आपको यहाँ पे फ्यूल दिखेगा, डिजिटल में आपको पूरा स्पीड देखने को मिलेगा, ओडोमीटर मिल जाता है, यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो ट्रिप ए ट्रिप बी, और यहाँ ओडोमीटर ट्रिप एफ नहीं है गाइस इसमें। साथ ही साथ एवरेज आपको यहाँ बताएगा किलोमीटर माइलेज के साथ, इंडिकेटर लो फ्यूल इंजन माल फंक्शन न्यूट्रल की लाइट, तो ये पूरा डिजिटल में है। इसमें गियर इंडिकेटर नहीं है गाइस। यहाँ आप देखिए गाइस, तो यहाँ पे आपको i3s की बैजिंग मतलब ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ ही साथ किल स्विच मिल जाती है। इस तरफ बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको अपर डिपर, यहाँ पे आपको पासिंग स्विच मिलता है, इंडिकेटर हॉर्न और मिलता है गाइस। तो दोस्तों ये कलर हमारा रेड है, और इसमें आप स्टिकरिंग देख सकते हो, पहले वाली स्टिकरिंग आपको देखने को मिलती है गाइस। साथ ही साथ ग्लैमर की आपको यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलेगी गाइस, E20 का आपको यहाँ पे स्टिकर देखने को मिलेगा, नए इंजन के साथ E20 स्टिकर आता है, और क्रोम की तो भाई गार्निशिंग यहाँ तक आपको देखने को मिलेगी, एक नया आपको सेटअप देखने को मिलता है क्रोमिंग का। हीरो की बैजिंग मिल जाएगी, i3s मैंने आपको बता ही दिया, इंजन सेम इट इज मिलता है आपको 125cc वाला, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलते हैं गाइस। तो पीछे की लाइट आप देख सकते हो गाइस, मैं आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आप पीछे का इंडिकेटर भी देख सकते हो, ये आपको हेलोजन में मिलता है। नंबर प्लेट लाइट अभी नहीं जल रही है, स्टार्ट करके देखते हैं हम लोग गाड़ी, ये स्टार्ट होने पे जल्दी है गाइस। हेलोजन में रिफ्लेक्टर और कुछ ऐसा मडगार्ड मिलता है आपको। तो गाइस अब बात करते हैं साइलेंसर की, तो साइलेंसर आप देख सकते हो इसमें आपको ब्लैक मफलर देखने को मिलता है। अभी हम इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनते हैं, ये बिना रेस की है, इंजन का आवाज सुनिए आप। अब हम लोग इसमें रेस देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुरानी वाली ग्लैमर है हमारी एक्सटेक जो आती है, न्यू वाले बोल सकते हैं इसको, एक्सटेक वाली है हमारी ग्लैमर। ये देखिए इसमें आपको नेविगेशन भी बताता है टर्न बाय टर्न। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइसिंग की, प्राइसिंग इसमें आपको क्या देखने को मिलता है। तो ये जो वेरियंट आप देख रहे हो ये हमारी पुरानी वाली ग्लैमर है जो रिलॉन्च हुई है गाइस, ड्रम ब्रेक है। प्राइसिंग अराउंड 97,360 रुपीज इसका ऑन रोड प्राइस है गाइस। तो गाइस इसका प्राइसिंग मैंने बता दिया, और ग्लैमर एक्सटेक जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैंने आपको दिखाया है, उसका प्राइसिंग अराउंड 1,07,500 रुपीज आने वाला है गाइस ग्लैमर एक्सटेक का। तो दोस्तों अगर आपको अपने सिटी का ऑन रोड प्राइस चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मिल जाएगा कोई भी वेरिएंट, जैसे ड्रम हो गया, एक हमारी आती है एक्सटेक वेरिएंट ग्लैमर में उसका प्राइस हो गया, एक हमारी आती है नॉर्मल वेरियंट ग्लैमर में वो हो गया, जैसे ये हमारी नॉर्मल वेरियंट है पुरानी वाली रिलॉन्च वाली। तो वेरियंट लिखोगे तो प्राइस मिल जाएगा, वेरियंट नहीं लिखोगे तो इसी का प्राइस मैं दे दूंगा कमेंट में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मिनिमम डाउन पेमेंट में, मिनिमम कितना आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, एकदम लो डाउन पेमेंट। तो मिनिमम आप इसको 15,000 में घर लेके जा सकते हो गाइस, 15,000 इसका एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट है। साथ ही साथ ईएमआई कवर कर लेते हैं गाइस, लो ईएमआई भी आने वाला है। 24 मंथ के लिए बात करें गाइस तो 4,300 रुपीज आएगी, मतलब की 4,300 का ईएमआई आएगा। 30 मंथ की बात करें गाइस तो 3,583, और 36 मंथ की बात करें गाइस तो 3,100, मतलब 3100 इससे भी कम ईएमआई आने वाला है गाइस। अगर आप चाहते हो इससे कम हमारा ईएमआई है, 3,000 से कम भी आए, उसके लिए भी एक डाउन पेमेंट है हमारा, नो हाइपो डाउन पेमेंट, जिसमें आपका हाइपोटिकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। 40,000 का डाउन पेमेंट है गाइस, सेकंड डाउन पेमेंट हमारा, उसमें आपको ईएमआई आने वाला है 18 मंथ्स में 3,820 रुपीज, और 24 मंथ में आएगा 2,973 रुपीज। अगर आप चाहे तो 36 मंथ पे भी जा सकते हो, उसमें आपका 2,500 करीबन आएगा ईएमआई। अगर गाइस आप चाहते हो, ये ड्रम वेरिएंट है, अगर आप चाहते हो कि आपको डिस्क में चाहिए तो डिस्क का मैं प्राइस बता देता हूं आपको आसान
आसानी होगी। तो डिस्क का प्राइस आपको लगेगा 1,01,700। तो ये डिस्क का प्राइस है गाइस। ऑफर की बात करें गाइस, तो ऑफर में आपको एक हेलमेट मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हो 17 तारीख को हमारा विश्वकर्मा पूजा है, तो उसके लिए आपको हेलमेट और कुछ गिफ्ट शोरूम की तरफ से मिल जाएंगे गाइस। वीडियो जरूर दिखाना। अब बात करते हैं गाइस, इतना अच्छा ऑफर आपको मिल कहाँ से रहा है, कहाँ से आप ये ऑफर ले सकते हो। तो ये आपको एलडी ऑटोस हीरो से मिलने वाला है, बोचा चक्स एम्स रोड फुलवारी शरीफ के नियरेस्ट पड़ता है गाइस, पटना बिहार से हो। अगर आप कोई और स्टेट से भी हो तब भी आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ करना है, मेरा वीडियो दिखाना है, आपके नियरेस्ट शोरूम में जाना है और वहाँ पे आपको ये ऑफर मिल जाएगा गाइस, क्योंकि ये पैन इंडिया ऑफर है। हर स्टेट में ये ऑफर वेरी करता है। इंडिया में अगर आप इंडिया के बाहर से हो तब आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मगर इंडिया में हो तब कोई दिक्कत नहीं है। मैं हूँ आपके लिए। नंबर लिख लो गाइस, आपको आसानी होगी। अगर आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी चाहिए या कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो नंबर है हमारे विमल सर का है 8271745424। तो ये आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा है, पॉज करके आप कॉल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं गाइस डॉक्यूमेंटेशन और ROI में, कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगे। तो डॉक्यूमेंटेशन सिंपल है गाइस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आपका लगने वाला है, एक दो फोटो लग जाएगा गाइस। इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार गाड़ी लेने आ रहे हो तब भी आपका हो जाएगा, अगर आपका -1 सिविल है तब भी आपका हो जाएगा, सिविल कोई मैटर नहीं करता है गाइस। तो मिनिमम हमारा ROI रहने वाला है गाइस 8.49%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको गाड़ी छूट जाएगी। अगर आपका सिविल अच्छा है, ऐसे मैंने बोला सिविल कोई जरूरत नहीं है, मगर अगर आपका सिविल अच्छा है, सिविल है आपके पास, तो इससे भी कम हो सकता है, 7.99 तक भी जा सकता है आपका ROI। तो ये आपके सिविल के अकॉर्डिंग ही होगा, जब आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा तब आपको मालूम चलेगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो 1 लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते रहेंगे गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।